हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ओट्स के चीले, जो कि ओट्स बहुत ही फ़ायदेमंद है हम लोग के लिए, उसी के आज हम चीले बना के दिखाएंगे आपको। इसके लिए मैंने ये देखिए 1 कप ओट्स इसमें ले ली है, और 1 कप ओट्स और ले लेंगे हम, 2 कप ओट्स के हम चीले बना रहे हैं। और इसको इस बाउल में हमने डाल दिया है, और इसी में अब डालेंगे, अभी मैं 1 कप पानी डाल ली उसमें पहले, और इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, तब थोड़ा पानी और डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से पहले इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे, तब हम अभी पानी इसमें और डालेंगे। ये देखिए 1 कप पानी मैं और ले लेती हूँ, और फिर इसमें ये देखिए इस तरीके से और डाल दिया मैंने, इसमें 2 कप पानी डाल दिया है, 2 कप ओट्स में 2 कप पानी डाल दिया है। इसको मिला लेंगे पहले, और अगर लगेगा ज़रूरत तो हम इसमें और पानी डालेंगे, वरना इतना पर्याप्त है पानी। और बस इसको हम अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर को भिगोकर इसके लिए रख देंगे, इस तरीके से हम रख देंगे। अब जब तक मेरे चैनल पर जो नया है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, और कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ये देखिए मैंने इसके लिए 2 प्याज लिए हैं, और 4 हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और 2 टमाटर लिए हैं, ये देखिए। और इनको अब हम छोटा छोटा चॉप करके रख लेंगे चीले में डालने के लिए। इसको हम धनिया तो मैंने ऑलरेडी चॉप करके रखा हुआ है आपके सामने, और ये टमाटर देखिए चॉप कर लिए, प्याज भी और हरी मिर्च भी हमने छोटी छोटी चॉप करके रख ली है। ये देखिए चीले में डालने के लिए सारा सामान हमारा ये तैयार हो चुका है। और बस अब हमने जो ओट्स भिगोए थे वो देख लेते हैं कैसे हो गए हैं। करीब 15 मिनट के लिए ओट्स भिगोए थे, जब तक मैंने केवल ये चॉप की है सब्जी, इतनी देर ही ये भिगोए थे। अब ये हमारे अच्छे से भीग चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पीस लेती हूँ और तब इसके चीले बनाऊँगी। अगर आप इसको ऐसे तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे तब भी अच्छे बनेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। और बस इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं, देखिए, और बस पीस के मैं दिखाती हूँ आपको। ये अच्छे से हमारे पिस चुके हैं ओट्स, और इसको निकाल के चम्मच से दिखा, ये देखिए अभी ये थोड़े गाढ़े हैं, जब हम बाउल में इसको निकालेंगे तब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए अभी इसी बाउल में हम इसको निकाल लेते हैं, सारे पेस्ट को जो हमने पीसा है अभी ओट्स, इसको सारा निकाल लेंगे अच्छे से चम्मच से। ओट्स बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए, और बहुत ही इसको हम दूध से दूध के मीठे भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसके चीले बना के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए बस, और इसमें मैं थोड़ा सा 1/2 कप से भी कम बेसन मैंने डाल लिया है इसमें। अगर आप चाहें तो बेसन ना डाल के सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन का इस्तेमाल किया है, टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा इससे। आप चाहें तो सूजी, अगर सूजी आप डालें तो इसको ओट्स के साथ ही सूजी को भिगो दें, जैसे मैंने जब ओट्स भिगोए थे उसी टाइम सूजी डालकर आप भिगो सकते हैं। 1/4 कप सूजी डालकर इसमें उसी टाइम भिगोने के लिए रख सकते हैं। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और डाल लिया है, मिक्सी का जो पॉट था वो मैंने धोकर पानी इसमें करीब 1/2 कप पानी मैंने इसमें और डाल लिया है, और फिर इसको हम अच्छे से पहले मिला लेंगे, और तब इसका हम कंसिस्टेंसी देखेंगे कि ऐसी हो जाती है, उसके बाद इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे इसमें, बेसन सारे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, और फिर हम आगे इसका देखते हैं। देखिए इस तरीके से मैं मिला लेती हूँ अच्छे से मैंने, तो बस ये हमारा अच्छे से मिल चुका है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मैंने ये थोड़ी देर के लिए रख दिया था, अभी 5 मिनट के लिए दोबारा, और ये देखिए अब अच्छा पेस्ट इसका तैयार हो चुका है बिल्कुल। और इस तरीके का ही हमें रखना है, इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं करना हमें, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है इसको, बस इस तरीके का पेस्ट रखना है। और इसमें अब हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, ये देखिए 1/2 चम्मच करीब नमक डाल दिया मैंने, नमक टेस्ट अनुसार आप डाल सकते हैं, और मिर्च मैंने 1/2 चम्मच से भी कम डाली है, आप चाहें तो इसमें मिर्च अपने हिसाब से डाल लें। 1/2 चम्मच जीरे का इस्तेमाल किया है, और ये मैंने मैगी मसाला, जो मैजिक मसाला आता है मैगी का, वो मैंने 1 पाउच इसमें
डाल दिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका चीले का, बहुत ही टेस्टी बनता है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अगर आप ये नहीं खाते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, देखिए इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें, अगर इसको मैगी मसाले को ना डालकर आप इसमें किचन किंग भी डाल सकते हैं, और अगर कोई मसाला डालना नहीं चाहते हैं तो आप सबको स्किप करके सादा भी नमक मिर्च से ही केवल इसको बना सकते हैं। और बस इसमें वेजिटेबल्स हमने जो काटी थी, इसमें मैंने ये थोड़े से करी पत्ते और काट के डाल ले रही हूँ, थोड़े से करी पत्ते रखे थे वो मैंने काट के डाल लिए हैं। और फिर उसके बाद जितनी वेजिटेबल्स मैंने काटी थी, ये देखिए टमाटर, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च, सारी चीज़ें इसमें हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हरी मिर्च और डाल लेती मैं थोड़ी सी जो कटी हुई है, ये सारी इसमें ये डाल लेते हैं। और फिर इससे पेस्ट को अच्छे से स्पून से हम मिला लेंगे। ये देखिए सारा सामान मिक्स कर लेंगे पहले, और तब हम फिर अब चीला बनाना शुरू करेंगे। इसको खूब अच्छे से मिलाने के बाद ही हम चीला बनाएंगे। देखिए अब इसका पेस्ट बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। ये देखिए सारी चीज़ें मिल चुकी हैं इसमें, टेस्टी चीला बनाने के लिए। अब मैं तवा रख लेती हूँ गैस पर और इसको गैस को ऑन कर देती हूँ। इसको थोड़ा गर्म होने के बाद मैं इसमें हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगा दें, आप ब्रश से लगाना चाहें ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैंने इस पर केवल चम्मच से ही पूरे में ऑयल कर लिया है। और बस इसको थोड़ा गर्म हो जाने दें, और हाई मीडियम आँच पर थोड़ा गर्म करने के बाद मैंने इसको लो कर दिया है। और अब इस पर हमने जो पेस्ट बनाया था वो चमचे की सहायता से इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने दो चमचे इसमें डालकर इसको हल्का हल्का स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, और बस इसको फिर हम अच्छे से सिकने देंगे। ये देखिए इसको एक सा कर दिया है मैंने, अच्छे से फैला दिया है, और इसको लो मीडियम आंच पर फैलने अब सेकने देंगे इसको। और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है अभी, और बस जब एक साइड से सिक जाएगा तब कलछी की सहायता से इसको पलट देंगे। ये देखिए ये इसको दोनों तरफ से हम पलटकर उलट पलटकर इसको अच्छा सा अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसको हम सेक लेंगे, और लो मीडियम आंच पर ही इसको हम सेकेंगे तो ये बहुत अच्छा सिकेगा। देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल और लगा लिया है, आप चाहें तो इसको बिना ऑयल के भी हल्के ऑयल से ही बिल्कुल बना सकते हैं। बार बार नॉन स्टिक तवा पे तो बार बार ऑयल लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। ये देखिए और इसको फिर हम पलट लेंगे और खूब अच्छा सेकने तक इसको हम दोनों तरफ से इसी तरीके से सेक लेंगे। ये मैं आपको पूरा सेकने तक आपके बिल्कुल ठीक सामने सेक कर ये दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी अच्छी तरह से सेक चुका है, इसको हम उतार लेते हैं। और दूसरा चीला डालने के लिए थोड़ा सा मैं ऑयल और दोबारा लगा रही हूँ, और उसके बाद इसमें हम फिर और पेस्ट जो है वो डाल देंगे, और फिर इसको हम उलट पलट कर दोबारा फिर उसी तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए दो चमचे फिर मैंने इसमें और डालकर फिर अच्छे से फैला दिया, स्प्रेड कर दिया है पूरे पेस्ट को चमचे से इस तरीके से हल्का हल्का स्प्रेड कर देंगे। और बस इसको फिर हम अच्छे से सिकने देंगे लो मीडियम आंच पर ही, इसी तरीके से इसको सिकने देंगे। जब एक साइड से सिक जाएगा तब इसको हम पलटेंगे। ये देखिए अब सिक गया है एक साइड से, तब मैं कलछी की सहायता से इसको पलटूंगी। अब देखिए थोड़ा और सिकने देते हैं अभी, और सिकने के बाद ही इसको हम पलट देंगे, और फिर हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक सिकने देंगे। देखिए अब ये सिक चुका है और मैं इसको पलट देती हूँ। ये देखिए एक तरफ से पूरा अच्छी तरह से सिक चुका है, अब इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हम सेक लेंगे। और हल्का सा ऑयल लगा दिया मैंने, और बस इस तरीके से दोनों तरफ से इसको हम सेक लेंगे। और बस हमारे अच्छे ओट्स के चीले चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिससे भी खाइए तैयार हैं। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं और फ़ायदा बहुत ही करते हैं ये ओट्स को। हम जब बोर हो जाते हैं एक ही तरीके से खाते खाते, तो इसकी अलग रेसिपी, न्यू रेसिपी तैयार करके इस तरीके से हम खा सकते हैं। धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आप सबको
थैंक यू और दिल से धन्यवाद।